शिक्षा इंसान की बुनियादी और आवश्यक जरूरत है। एक बेहतर शिक्षा से ही इंसान की दिशा और दशा तय होती है। कहते हैं पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, पर बदहाली की ऐसी तस्वीरें तो कैसे बढ़ेगा इंडिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के जिला गौरेला पेंड्रा मरवाही के दूर अंचल आदिवासी क्षेत्र प्राथमिक शाला दुवारी टोला मड़वाही में पढ़ने लिखने वाले आदिवासी नौनिहालों की, जहां की आदिवासी नौनिहाल अपने भविष्य को उज्जवल करने के लिए आज भी अपने जान जोखिम में डालकर उफनती हथगड़ी नदी के तेज बहाव के बीच चलकर शिक्षा के मंदिर का रास्ता तय करते हैं, जिसके कारण आदिवासी नौनिहालों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तेज नदियों के बीच अपने बच्चों को स्कूल जाते देख पालकों के मन में बच्चों की सुरक्षा को लेकर संकट मंडराते रहता है। पहले भी इस नदी से लोग बह चुके हैं। ज्यादा पानी का बहाव होने से कभी कभी बच्चे हफ्तों तक स्कूल नहीं पहुंच पाते। नदी के पुल निर्माण को लेकर स्थानीय ग्रामीण एवं पालकों द्वारा स्थानीय जनप्रतिनिधि से लेकर विधायक एवं कलेक्टर से भी गुहार लगा चुके हैं, लिहाजा ग्रामीणों को हताश और निराशा के अलावा कुछ भी हासिल नहीं हुआ है। यहाँ के पढ़ने लिखने वाले बच्चों की हालत आज भी भगवान भरोसे है। गौरतलब है कि सरकार करोड़ों रुपए की योजना बनाकर नौनिहालों की भविष्य गढ़ने के लिए शिक्षा के क्षेत्र में काम करने का दावा करती है, पर इसकी जमीनी हकीकत तलाशे तो धरातल में कोरी कल्पना ही नजर आती है। अब देखने वाली बात यह होगी कि आदिवासी अंचल मरवाही क्षेत्र के मड़वाही के हथगड़ी नदी को पार कर जान जोखिम उठाकर पढ़ने वाले छात्रों की बदहाली की तस्वीरें कब बदलती है, यह देखना सुनिश्चित होगा। भैया क्या नाम है आपका? भीम सेन। भैया यहाँ आपके गांव में पानी में नदी में डूब के बच्चे लोग स्कूल जाते हैं पढ़ाई करने के लिए, कैसी परेशानी होती है आप बताइए। सर इसमें बाढ़ आ जाने पे डूबते हुए बच्चे जाते हैं, हमको डर बना रहता है। तो ज़्यादा पानी हो जाता है तो आप लोग फिर क्या करते हैं? फिर मना कर देते हैं, बच्चे लोग को नहीं भेजते हैं दो चार दिन। यहाँ कोई अधिकारी कर्मचारी आते हैं देखने सुनने के लिए? हाँ है सर, वो फिर देखते चले जाते हैं। क्या बोलते हैं वो? बने करके बोल रहे हैं, आज तक नहीं बना है। ये लगभग कितने सालों से ऐसा चल रहा है? सर हमको पता नहीं है, बहुत पहले की हुई। अरे सदियों हो गया। हाँ सदियों हो गया। तो क्या चाहते हैं सरकार से भाई साहब? हाँ पुल बनना जी यहाँ पे जरूरी है करके चाह रहे हैं। तो आदिवासी नौनिहालों की स्थिति बद से बदतर दिख रही है। आज भी वहाँ के बच्चे हथगड़ी नाले को पार कर शिक्षा के मंदिर तक का दूरी सफर तय करते हैं, कितनी बड़ी लापरवाही मानते हैं? देखिए जब से BJP की सरकार बनी है, साय सरकार बनी है, तब से शिक्षा विभाग में कहूँगा बदहाल हो गया है। आप पहले देखते होंगे कि आत्मानंद की स्कूलें, इंग्लिश मीडियम की स्कूलें हर 5 किलोमीटर में खुलती थी और निरंतर शिक्षा के क्षेत्र में विकास होते आ रहा है, लेकिन जब से 8 माह की ये सरकार है और मैंने आपका वीडियो देखा किस तरह से बच्चे, छोटे छोटे बच्चे नाला पार करके जा रहे हैं और किसी दिन भी अगर वो दुर्घटना हो जाती है, बह जाते हैं, तो उसके जिम्मेदार कौन होगा। लेकिन दुख होता है कि आज भी इस तरह की व्यवस्था सही नहीं है और ना आपके शिक्षा विभाग के जितने भी अधिकारी कर्मचारी वो ध्यान दे रहे हैं और माननीय विधायक जी भी, मैं कहूँगा कि उनके तरफ से कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अभी सुनने में आया है कि विधायक जी रायपुर में बस गए हैं, मरवाही छोड़ दिया है उन्होंने। तो इस तरह की जो घटना हो रही है और बच्चों के साथ जो हो रहा है, मैं कहूँगा कि बहुत ही गलत हो रहा है और प्रशासन को इसमें तत्काल संज्ञान लेना चाहिए और वहाँ पर व्यवस्था बनाना चाहिए ताकि बच्चे लोग आसानी से स्कूल जा सकें और उनको किसी प्रकार का परेशानी ना हो।